छतरपुर में पुलिस ने दो शातिर बदमाशों को पकड़ा है। इनके पास से एक देसी तमंचा मिला है। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने एक मकान में छापा मारकर 242 पेटी अवैध शराब भी पकड़ी, जिसकी कीमत 10 लाख से अधिक बताई जा रही है। चुनाव से पहले छतरपुर पुलिस लगातार अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करने में लगी हुई है। कोतवाली थाना पुलिस ने दो जिला बदर आरोपियों को अवैध रूप से कट्टा कारतूस लेकर घूमते पाए जाने पर गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों पर शहर के अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। इस वजह से कलेक्टर ने इन दोनों पर जिला बदर की कार्रवाई की है। ये दो व्यक्ति आर्म्स लिए हुए अवैध रूप से पाए और इन लोग पहले से जिला बदर थे। जिला बदर अवधि में यहाँ छतरपुर में घूमते पाए गए और इनके पजेशन से देसी कट्टा मिला है। तो दोनों के विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की गई, शेख मुजीब और विठल कानिया। पुलिस ने एक मकान में छापा मारकर 10 लाख से ज्यादा की 242 पेटी अवैध शराब पकड़ी। अवैध शराब आरोपी ने मकान में छिपा कर रखी हुई थी। एसपी के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब की तस्करी, अवैध शराब के संग्रहण पर सर्चिंग के अनुक्रम में आज हमको मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम खरोही के हथिया भटनी इलाके में गंगा प्रसाद यादव के यहाँ उसके घर में अवैध शराब संग्रहित करके रखी गई है। हमारी टीम के द्वारा, इसमें मैं साथ में था, थाना प्रभारी खजुराहो अतुल दीक्षित एवं उनके साथ पूरी टीम ने आज छापा मारा दोपहर में और वहाँ से 242 पेटियाँ लगभग 2200 लीटर कीमती 10 लाख रुपए की शराब को जब्त किया है। आरोपी गंगा प्रसाद पिता राम प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया है। विवेचना कार्रवाई जारी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।